हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी पार्ट टू फिजिक्स ऑनर्स के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि बीएससी पार्ट टू में फिजिक्स ऑनर्स में कितने पेपर होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, आइए उसी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, बीएससी पार्ट टू में फिजिक्स ऑनर्स में आपको टोटल दो पेपर पढ़ना होता है, पेपर 3 और पेपर 4, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और इसमें पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना होता है, यानी कि दो पेपर पढ़ना होता है, पेपर 3 और पेपर 4। तो देखिए पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले पेपर फिजिक्स ऑनर्स पेपर 3, ये जो होता है फुल मार्क्स 75 का होता है। आप सभी को पता होगा कि 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और थ्योरी एग्जाम जो होता है आपको टोटल 75 मार्क्स का होता है, और इसके लिए जो समय मिलता है आपको वो 3 घंटे का समय मिलता है। और कुछ इंस्ट्रक्शन है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया इंस्ट्रक्शन कि 12 क्वेश्चन टू बी सेट, यानी 12 क्वेश्चन का सेट रहेगा, 6 टू बी आंसर्ड और 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 4 फ्रॉम ग्रुप ए, 4 फ्रॉम ग्रुप ए यानी कि 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से, एंड 2 फ्रॉम ग्रुप बी और 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से बनाना है। देखिए समझिए कि टोटल 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और आपको टोटल क्वेश्चन 12 पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और इसमें एक लिखा है, कंडीशन दिया है कि ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन को। आइए आप समझते हैं कि ग्रुप ए में आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए ग्रुप ए में जो पढ़ना है आपको, वो पहला जो आपका चैप्टर है वो ऑप्टिक्स पढ़ना है, जिससे कि 8 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऑप्टिक्स से 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यहाँ पे लिखा गया है कि 4 फ्रॉम ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ऑप्टिक्स से जो सीधा आपसे 8 क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप ए में, और जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलते हैं, अब देख लीजिएगा कि ऑप्टिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं, तो मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल एंड मिरर एंड लेंस फार्मूला, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए थिक लेंस एंड थिक लेंस फार्मूला, तो आप इसको पॉज करके टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, ग्रुप ए में ये सब आ जाएगा आपका, ये अभी इसको भी पढ़ सकते हैं, यही भी ग्रुप ए का ही टॉपिक है। अब हम चलते हैं ग्रुप बी में कि ग्रुप बी में आपको क्या पढ़ना है। देखिए ग्रुप बी में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का ही आंसर देना है, यानी ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, उसमें 8 क्वेश्चन पूछ रहा था, और इसमें ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, जिसमें से आपको किन्हीं 2 ही का ही आंसर देना है। और इसका क्या टॉपिक है आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन, उसके बाद वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, उसके बाद मैक्सवेल्स स्ट्रेस टेंसर प्रेशर ऑफ रेडिएशन प्लेन, ये सब इसका टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पेपर 3 का सिलेबस। अब हम चलते हैं पेपर 4 का सिलेबस क्या है। देखिए अब पेपर 4 तो सेम इसका भी वही पैरामीटर है कि फुल मार्क्स 75 रहेगा, इसमें भी 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, पेपर 4 में भी 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और इससे भी जो समय मिलता है आपको वो अभी 3 घंटे का समय मिलता है। और इसका भी इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है कि 12 क्वेश्चन टू बी सेट, 12 क्वेश्चन सेट रहेगा, 6 टू बी आंसर, 6 का आपको जवाब देना रहेगा। सिलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ग्रुप ए, कम से कम आपको ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन, एंड एट लीस्ट 2 फ्रॉम ग्रुप बी, और कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एट लीस्ट ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन, एंड एंड ग्रुप सी, ओ सॉरी यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रुप ए से आपको 1 क्वेश्चन कम से कम, एंड लिखा गया है एट लीस्ट 2 फ्रॉम ईच ऑफ ग्रुप बी एंड सी, और दो दो क्वेश्चन आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी से बनाना है। देखिए समझिए कि टोटल आपको पेपर 4 में आपसे टोटल 12 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक, और ग्रुप ए में आपको ग्रुप ए से आपको कम 1 क्वेश्चन बनाना है, और ग्रुप बी और ग्रुप सी से
कम से कम आपको दो दो क्वेश्चन बनाना है, तो समझ गए आप। अब देखिए ग्रुप ए में क्या क्या पढ़ना है आपको। ग्रुप ए में जो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, जिससे कि दो क्वेश्चन पूछेगा और दो क्वेश्चन में आपको किन्हीं एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है ग्रुप ए से। तो कौन सा पढ़ना है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, जिससे दो क्वेश्चन रहेगा और ये सब इसका टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रुप बी का क्या सिलेबस है। यह भी जो है यह भी ग्रुप ए का ही टॉपिक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं ग्रुप बी में। देखिए ग्रुप बी में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 5 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन, क्या लिखा था इंस्ट्रक्शन में कि कम से कम आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। तो ग्रुप बी में टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा और कम से कम आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे इसका टॉपिक है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ सीबेक, उसका पेयर एंड थॉम्सन इफेक्ट एंड थेयर एप्लीकेशन, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रुप सी का क्या सिलेबस है। तो देखिए ग्रुप सी में जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है, एक मिनट, ग्रुप सी में जो पढ़ना है आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, जिससे कि 5 क्वेश्चन रहेगा और इससे भी आपको कम से कम एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन इसे बनाना है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आपको आंसर जवाब देना है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाई मिलिकेंस मेथड एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई थॉम्सन मेथड, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो ये सब इसका टॉपिक है, आप इसको वीडियो को आसानी से पॉज करके देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यानी कि पेपर 3 में 2 ग्रुप बनाया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और पेपर 4 में 3 ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो आप पूरा समझ गए कि बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स एंड ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस। तो बॉस आज की क्लास में हम यही बताने वाले थे कि आपको पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस क्या है फिजिक्स एंड ऑनर्स बीएससी पार्ट 2 का। तो चलिए फ्रेंड, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।